का नवोदय टाइम्स में आपके साथ मैं हूं आरती। एक नजर डालते हैं देश की पांच बड़ी खबरों पर। यूपी और बिहार के लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन परिणामों को काफी अहम माना जा रहा है। अयोध्या मामले को लेकर एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट आज इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई की तारीखें तय कर सकता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में यूपी के 3 जवान शहीद हो गए थे। योगी सरकार ने इन पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इंडिगो और गो एयर की 65 उड़ानों को मंगलवार को रद्द कर दिया गया। डीजीसीए ने विमानों के इंजन में आई समस्या की वजह से इन्हें रद्द किया। उड़ाने रद्द होने की वजह से टिकटें अचानक से महंगी हो गई। नॉर्थ दिल्ली को साउथ दिल्ली से जोड़ने वाली दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन आज से शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि इस लाइन के शुरू होने से नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली महज 35 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। नवोदय टाइम्स की बाकी खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।